हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं मगराज बिल स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल मगराज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई लेथ मशीन खरीदते समय हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और लेथ मशीन कहां से और किस कंपनी की हमें खरीदनी चाहिए ताकि वो लेथ मशीन हमारे काफी लंबे समय तक चलती रहे और एक्यूरेसी भी देती रहे और बाद में हमें पछताना ना पड़े। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और खबरी ऐप पर फॉलो कर लें। वहां पर भी मैं पोस्ट डालते रहता हूं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो और लाइक जरूर कर लें और मुझे सपोर्ट करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेथ मशीन खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा जॉब उस पर आसानी से हो जाए और बाद में हमें पछताना भी ना पड़े। तो सबसे पहले हमें लेथ मशीन का जो स्पिंडल का बोर होता है उसका खास ध्यान रखना होता है कि वो जो बोर है वो हमारे जॉब के अनुसार होना चाहिए, जॉब के अनुकूल होना चाहिए ताकि हमारा जॉब उसमें आराम से आ जाए और हम जॉब को मशीनिंग कर सकें। ये जो बोर है ये हमारे जॉब के अनुकूल होना चाहिए। दूसरी जो खास बात है वो है लेथ मशीन की सेंटर हाइट। ये जो टेल स्टॉक की बेड से जो सेंटर हाइट है वो हमारे जॉब के अनुसार होनी चाहिए। ये जो बेड है, ये क्रॉस स्लाइड है, ये क्रॉस स्लाइड का भी सेंटर है, ये इससे जो सेंटर आता है वो भी हमारे जॉब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो बेड से जो सेंटर हाइट है वो भी महत्वपूर्ण है। बेड से भी सेंटर जॉब के अनुसार होने चाहिए। और एक जो ये है हमारे ये जो गैप पीस है, ये जो गैप है लेथ मशीन का, इसकी भी सेंटर हाइट हमारे जॉब के अनुकूल होने चाहिए। ऐसे कभी प्लेट नुमा जॉब आ जाते हैं उसमें हमें तकलीफ ना आ जाए। ठीक है, ये जो सेंटर हाइट है, ये बेड का जो गैप है, ये जिसे हम गैप बोलते हैं, इस गैप की लंबाई है वो भी, उसका भी खास ध्यान रखना है ताकि कोई बड़ा जॉब आ जाए, प्लेट नुमा जॉब। जैसे ये जॉब है, अब ये जॉब हमारे इस गैप की जो सेंटर हाइट है उसमें ये आराम से आ गया है और ये इसमें बीच में यहाँ पर ये इसमें फंस भी नहीं रहा है। तो इस गैप पीस का भी हमें ध्यान रखना है, इसकी सेंटर हाइट भी हमें ध्यान रखनी है ताकि हमारा जॉब आराम से हो जाए। ठीक है, ये देखिए, ये इस तरह से। तो इस गैप पीस का भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ये हमारे लेथ मशीन के लिए, जॉब के लिए। तो ये हो गया ये सेंटर हाइट। अब इसकी जो बेड की चौड़ाई है उसका खास ध्यान रखना पड़ता है कि बेड की जो चौड़ाई है वो हमारे जॉब के अनुसार होनी चाहिए। जितना बड़ा जॉब होगा वैसे ही बेड की चौड़ाई होनी चाहिए ताकि वह जॉब उस पर वाइब्रेशन ना करे, मशीन वाइब्रेशन ना करे। तो बेड की चौड़ाई भी खास ध्यान रखने योग्य चीज़ है। और फिर होता है लेथ मशीन की जो बेड है उसकी लंबाई, ताकि हमारा जॉब जो जॉब की जो लंबाई है उसके अनुसार होनी चाहिए ताकि हमारा जॉब उस बेड पर आराम से हो जाए। जैसे ये अभी ये हमारा जॉब है, अगर ये जॉब 3-4 इंची और लंबा होता तो हमारी इस मशीन पर नहीं होता। तो ये हमारे खास ध्यान रखने योग्य चीज़ है। फिर आता है ये चक भी हमारे जॉब के अनुसार होना चाहिए ताकि हमारा जॉब आराम से उस पर हो जाए। अगर थ्रू चक की रिक्वायरमेंट है तो थ्रू चक लगाना चाहिए और डॉग चक की रिक्वायरमेंट है तो डॉग चक यूज करना चाहिए। अब उसके बाद आता है गियर बॉक्स। ये जो लेथ मशीन का गियर बॉक्स है ये फुल नॉर्टन गियर बॉक्स है। इस पर हम सिर्फ इन लीवर को ABCD में सेट करके किसी भी प्रकार की चूड़ी हम इस पर आराम से निकाल सकते हैं। इसको हम फुल नॉर्टन मशीन बोलते हैं। ये इसमें इस तरफ 8 लीवर हैं
तो इसमें हम किसी भी प्रकार की चूड़ी सिर्फ लीवर चेंज करके ही निकाल सकते हैं। तो ये गियर बॉक्स भी हमारी मशीन के लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये लगवाना ही चाहिए। अब आता है कूलेंट की बारी कि हमारे लेथ मशीन पर कूलेंट की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे जॉब भी ठंडा रहे और टूल भी ठंडा रहे और जॉब जो है वो गर्म ना हो और उस पर फिनिशिंग अच्छी आए। तो सबसे पहले हो गया स्पिंडल, दूसरा चक हो गया, तीसरी बेड की चौड़ाई हो गई, बेड की लंबाई हो गई और ये कूलेंट की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और जो उस तरफ गियर बॉक्स है ये गैप गैप का भी और सेंटर का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, ये सेंटर हाइट, ये तीनों सेंटर हाइट है, एक तो बेड की सेंटर हाइट, स्लाइड की सेंटर हाइट और गैप, जो गैप है गैप की सेंटर हाइट और जो पीछे गियर है उस तरफ उस गियर का भी इस मशीन पर सब तरह से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें बाद में पछताना ना पड़े और हमारा जॉब आसानी से उस मशीन पर मशीनिंग हो जाए। दोस्तों, वैसे तो बहुत सी कंपनियां हैं जो लेथ मशीनें बनाती है, पर आज की इस वीडियो में मैं एक कंपनी को सजेस्ट करूंगा जो हमारी ज़रूरतों का खास ख्याल रखती है। कंपनी का नाम है बंका मशीन, जो राजकोट गुजरात में स्थित है। कंपनी का ऑनर है मिस्टर सम्राट राठौड़ और मैनेजर है तौफीक माहिदा। बंका मशीन लगभग सभी प्रकार की मशीनें बनाती है। इस कंपनी की मशीनें देखने में बहुत ही खूबसूरत और क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी होती है। इस कंपनी की मशीनें बहुत लंबे समय तक अच्छी कंडीशन में रहती है और बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी देती है। कंपनी हर लेथ मशीन के साथ एक टूल किट फ्री देती है जिसकी मार्केट में कीमत 10,000 से 15,000 रुपए तक हो सकती है। कंपनी मशीन के ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत ही सेंसिटिव है ताकि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान मशीन में किसी प्रकार का डैमेज ना हो और मशीन सही सलामत अपने निश्चित स्थान तक पहुंच सके। कंपनी कस्टमर के साथ काफी फ्रेंडली फेस आती है। एक बार बंका मशीन के साथ डील करना कस्टमर के लिए काफी अच्छा अनुभव रहेगा। और भी आप बंका मशीन के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो मैं मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, कंपनी का वेबसाइट लिंक, कंपनी का यूट्यूब लिंक और कंपनी का जो एल्बम है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस पर क्लिक करके आप और भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि मेरा हर नया वीडियो पहुंच सके सबसे पहले आपके पास। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।